फर्स्ट टाइम बनाई है तो देखते हैं कोरियन मैगी कैसी होने वाली है। यार क्या मैं इतनी बड़ी बाइट खा पाऊंगा मैगी की। पर मेरी आंखें देखो, ये कोरियन मैगी खा के मेरे आंसू आ रहे हैं, पसीना छूट रहा है भाई। बहुत स्पाइसी है यार, बहुत यम्मी मैगी है, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब। इस मैगी में जो बटर का टेस्ट आता है ना, लाजवाब। डिफरेंट टाइप की मैगी जो कि मैंने खुद बनाई है घर में, ये ना मेरी 3 रेसिपी है और इनकी ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप की मैगी जो कि मैंने खुद बनाई है घर में, ये ना मेरी 3 रेसिपी है और इनकी ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको इनकी रेसिपी भेज दूंगा। तो ये हमारी है सबसे पहले कोरियन मैगी। इसलिए ना यार मैंने कोरियन नूडल्स नहीं यूज करे, ये मैंने मैगी से ही बनाई है, ये वाली कोरियन मैगी टाइप, जो भी रामेन कह लो जो भी कह लो। और ये मेरी सबसे फेवरेट मैगी है और ये ना बटर और ऑयल से मिक्स होके मतलब इतनी मतलब मेरे को तो मस्त लगती है यार, ये मेरी फेवरेट है। एंड ये नॉर्मल मैगी है जो कि हम लोगों ने बचपन में बहुत खाई है, स्कूल में, टिफिन में। एंड ये वाली सबसे सिंपल है और 2 मिनट में जो मैगी बनती है ना, वो यही वाली मैगी है। एंड इसके साथ ना मैंने सोचा मैगी का कंपैरिजन हो रहा है तो चाउमिन भी मंगा ली जाए, क्योंकि चाउमिन तो अलग ही प्यार है। यार आज हम लोग मगमैंग करने वाले हैं ये 3 डिफरेंट टाइप की मैगी जो कि मैंने बनाई है और इतनी मस्त होने वाली है ये, और इसके साथ हमने चाउमिन भी मंगा ली थी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने चॉपस्टिक भी ले लिया, कभी मैंने चॉपस्टिक यूज नहीं करी, एक बार करी थी बट देखते हैं, तो ट्राई करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ कौन सी वाले खाएं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कैन से। भाई ये फिजीनेस ना इतनी बढ़िया लगती है। वैसे ना मैं यार डाइट पे हूं तो मैं काफी दिनों से ये सब चीजें नहीं खा रहा था, बट मैंने सोचा आज मैगी का मन हो गया था क्योंकि देहरादून में ना रिसेंटली बहुत बारिश हो रही है और बारिश में मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट रहता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नॉर्मल वाली मैगी, क्योंकि ये आप सब लोगों ने घर में, स्कूल में, मतलब टाइम पास जब भी भूख लग रही हो तो उसके लिए बनाई होगी। बड़े बड़े नूडल्स इसके काफी यार। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अपनी नॉर्मल मैगी। भाई इसे खा के ना वही अपना बचपन वाला मतलब स्कूल का टाइम याद आ गया, जो मम्मी ने मतलब टिफिन में पैक करके देती थी। और पता नहीं मेरी तरह ये किसको पसंद होगा, लेकिन ना जब मैगी जम जाती थी ना, मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश वाली नहीं, जो जैसे सुबह पैक करी हमने टिफिन में और दिन में जो जमी हुई मैगी खाने का ना मजा ही अलग था यार। तो ये तो भाई गजब है, मेरे को ये तो ऑल टाइम फेवरेट है यार, इतनी सारी खा लूँ क्या मैं। चलो एक चीज ट्राई करते हैं, कितनी मैगी मैं एक बारी में खा सकता हूँ। यार क्या मैं इतनी बड़ी बाइट खा पाऊंगा मैगी की। मेरी बस की नहीं है, बहुत टेस्टी हो रही है बट। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ अपनी फेवरेट मैगी, जो कि मैं ये वाली के बाद ना मैं यही बनाता हूँ मैगी घर में जब भी मेरा मन करता है। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को वो चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैसेज कर दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड इंस्टा पे मेरे को RM के ब्लॉग्स पे मेरे को DM करके रेसिपी पूछ सकते हो। बट ये वाली बहुत ही यम्मी मैगी है, कसम से बता रहा हूँ। भाई साहब इस मैगी में जो बटर का टेस्ट आता है ना, लाजवाब। ये मैगी भी बहुत गजब है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये होने वाली हमारी कोरियन मैगी, जिसकी रेसिपी ना मैंने अभी YouTube से देखी थी थोड़ी देर पहले, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है तो देखते हैं कोरियन मैगी कैसी होने वाली है, देखते हैं। बिकॉज मैंने बुलडक वाला जो भी आता है वो रामेन वो खाया है, 2x स्पाइसी, बहुत मतलब जी फाड़ होता है भाई, वो नहीं खाया जाता, बट ये ट्राई करते हैं। ओ भाई इतनी बड़ी कोरियन मैगी जो कि मैगी से बनाई है, ट्राई करते हैं। mm.
भाई भाई मिर्ची हो रही है। पता है इसमें ना मैंने लाल मिर्च डाली थी, और वो भी ऐसी नहीं कि जो मार्केट से MDH वो सब आती है, घर की पीसी हुई लाल मिर्च। इतनी मिर्ची हो रही है ना भाई, कसम से भाई। इससे तो मेरे धुएं निकल गए भाई, मेरे को स्वेट आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ मैं। अब ट्राई करते हैं अपनी चाउमीन, जो कि हर किसी का मतलब जान का टुकड़ा कह लो, दिल का टुकड़ा कह लो, चाउमीन। ये तो गजब है, पर मेरी आंखें देखो, ये कोरियन मैगी खा के मेरे आंसू आ रहे हैं, पसीना छूट रहा है भाई, बहुत स्पाइसी है यार ये कोरियन मैगी की। ना रेसिपी मैं जरूर बताऊंगा आपको, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी, आप लोग कमेंट भी करोगे तो रिप्लाई में मिल जाएगी। बहुत स्पाइसी है, बट जो भी कहो, ये वाली मैगी और ये मजा आ गया। अब ट्राई करते हैं अपनी चॉपस्टिक, पकड़ते कैसे बैंगल से पहले। एक ये ओ ये खा के तो भाई मजा ही आ जाता है। देखो यार, मेरे को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ट्राई करें, कोई भी जगह आप बोलोगे वहां का ट्राई करेंगे। बट मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, इनमें से किसी भी चीज की रेसिपी आप ट्राई करोगे ना भाई, बहुत टेस्टी है। कोरियन मैगी लास्ट में आएंगे, पहले अपनी मैगी खाते हैं, मेरे को ना बहुत गंद भूख लगी है। ये तीन तीन मैगी बनाते हुए ना सब ठंडी हो गई, बस ये ही गर्म है। भाई मुझे तो नहीं लगता मैं सारा खत्म कर पाऊंगा। अभी मैंने इतना सारा खा लिया है, बट देखते हैं मैं सारा फिनिश कर पाऊंगा कि नहीं। देखो ये वाली मैगी भाई मेरे से ना रोका नहीं जा रहा, क्योंकि दाल चावल या जो भी चीज घर में ना हाथ से खाते हैं ना, तो ये मैगी मेरा हाथ से खाने का मन हो रहा है भाई। इस चीज पे जज मत करना, बट हाथ से खाएंगे आज। एक मैगी तो फिनिश हो चुकी है, अब हम ट्राई करेंगे दूसरी, और कमेंट में बताना आपको इनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी लग रही है। और मेरे अकॉर्डिंग तो जो विनर है वो है अपनी ये बटर वाली मैगी। ये मेरी अपनी रेसिपी कह सकते हो, मतलब ऐसे ट्राई कर लिया था एक बार, तो तब से मैं यही बनाता हूँ, बट ये बहुत टेस्टी है भाई, कसम से ये ट्राई करना तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा मैं, कि ये वाली मैगी की रेसिपी, ठीक है। ये वाली हाथ से नहीं खाई जाएगी ये, क्योंकि चूरा चूरा करके बनाई थी ना। एक तो इस मैगी की वजह से ये टेस्टी है, बट मेरे से ना स्पाइसी नहीं खाया जाता, इसकी वजह से ना पसीना आ रहा, और ऊपर से गरम और मिर्ची लग रही है। ओ भाई मेरे तो बैंक का टेस्ट बर्ड कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई कभी तू एक मैगी खा रहा, कभी दूसरी, कभी चाउमीन। तो यार इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो में क्या ट्राई करें। और किसी को भी ये रेसिपी चाहिए होगी मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, ID आ रही होगी यहाँ पे, और ये घर वालों को देता हूँ यार, ये मेरे बस का नहीं है भाई, कसम से बता रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh, bye.